हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं द सोमी स्कैन प्रोडक्ट की ग्रीन टी फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्पफुल है फॉर एक्नी स्किन। सो नेक्स्ट मैं टोनर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लोटस हर्बस की बेजल टोन क्यूकम्बर टोनर यूज़ कर रही हूँ। सो ये टोनर बहुत ही बेस्ट है और मेरी फेवरेट है। सो मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इस टोनर के हेल्प से। और ये टोनर एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है और ये हमारे स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करती हूँ मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो कि निविया सॉफ्ट विटामिन ई लाइट मॉइस्चराइज़र मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र है और ये ओवरनाइट हमारे स्किन को सॉफ्ट रखने में हेल्प करती है और हमारे स्किन को नरिश करने में हेल्प करती है। सो ये मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ही लाइट है, बहुत ही जल्दी आपके फेस पे अब्सॉर्ब हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर सीरम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मामा अर्थ का टी ट्री फेस सीरम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो इससे ये रिड्यूस हो जाएंगे, पिंपल्स जो है कम करने में हेल्प करती है। तो टी ट्री हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। सो हमारे स्किन से रिलेटिव जितने भी इशू होते हैं इसे ये ठीक करने में हेल्प करता है। और ये सीरम यूज़ करने से आपका फेस हाइड्रेट रहता है और बहुत ही अच्छे से ये आपके फेस पर अब्सॉर्ब भी हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए वैसलीन जेली यूज़ करती हूँ। सो होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।